नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 8 सितंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से कि आयकर विभाग ने राजनीतिक फंडिंग मामले में क्यों मारे छापे, और यहाँ पर हम चुनाव आयोग के बारे में देखेंगे व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल भी देखेंगे कि क्या है यहाँ पर ईसीआई का रोल। फिर हम देखेंगे कि रेलवे की लैंड लीज नीति क्या है व इसका क्या उपयोग होगा और किस तरह से उपयोग किया जाएगा इस भूमि का। फिर हम देखेंगे कि राजपथ का नाम क्या हुआ नया नाम व क्यों बदले गए जो इनके नाम। फिर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी आर्थिक मंच 2022 में क्या कहा पश्चिमी देशों को लेकर व किन बातों को मोदी जी ने संबोधित किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से हम देखेंगे भारत बांग्लादेश के बीच हुए करार व समझौतों को। फिर हमारी अगली खबर रहेगी प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया यानी यमश्री योजना क्या है व यह योजना किस तरह से 21वीं सदी के जरूरतों के हिसाब से छात्रों को तैयार करेगी। फिर हम देखेंगे किस तरह से सेना के जवान एलओसी पर कर रहे हैं सुरक्षा व उनकी क्या है चुनौतियां, इसका हम एक बार कहीं ना कहीं गूगल अर्थ में देखेंगे जिन इलाकों पर ये एक तरह से सुरक्षा दे रहे हैं। भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत, तो ऐसा क्यों कहा गौतम अदानी जी ने, तो हम इसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत को क्यों काटसा प्रतिबंधों से छूट, वह क्या है काटसा और किस रणनीति के तहत यूएसए ने भारत को काटसा से छूट दी है। इस तरह से ये हमारी मुख्य चर्चा के विषय रहेंगे। हम और देख लेते कि और क्या क्या देखेंगे आज। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, उसके संवैधानिक निकाय, उसकी कार्य निष्पादन संरचना। फिर हम MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि क्या होता है MOU। फिर हम देखेंगे कि क्या है जीरो लाइन बॉर्डर। फिर हम मैप को देखेंगे एक बार। फिर हम आर्कटिक सर्कल को देखने की करेंगे, कौन सी कंट्री उसके अंदर शामिल है, कौन से क्षेत्र आर्कटिक ओशन के अंदर आते हैं। हम सेंट्रल विस्टा का एक बार प्रोजेक्ट देखेंगे कि क्या है सेंट्रल विस्टा का न्यू प्रोजेक्ट। एक बार फिर गूगल मैप में आर्कटिक ओशन को और अन्य कंट्री को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह ये हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, कर चोरी राजनीतिक फंडिंग मामले में देश भर में छापे। तो आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक साथ की कार्रवाई, 110 स्थानों पर दबिश। तो राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े 53 ठिकानों पर छापे। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारियों पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में गोपाल राय, तो कानपुर में जनरात राज्य पार्टी के कार्यालय और नेताओं के घरों पर आयकर छापे। तो आयकर विभाग ने कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और इन्हें फंडिंग करने वालों के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की है। तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर हुई कार्रवाई। तो सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने हाल ही में चुनाव आयोग की एक सिफारिश पर यह कार्रवाई की है। आयोग की शिकायत थी कि ऐसे कई दल अपनी ऑडिट और योगदान रिपोर्ट को ठीक से साझा किए बिना कर राहत का लाभ उठा रहे थे। आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सत्यापन कराया था और इस दौरान पता चला कि कई दलों ने धन और दान के प्रकटीकरण पर कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है। और इसके बाद आयोग ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल इन दलों के खिलाफ कानूनी व आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या है, किस तरह से उसके काम है, कौन उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग की साइट है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो श्री राजीव कुमार, और निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो श्री अनूप चंद्र पांडे। तो भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन
प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, देश में उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। अब संवैधानिक निकाय, तो भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय राज्य 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। तब से संविधान में प्रतिस्थापित सिद्धांतों, निर्वाचन विधियों तथा पद्धतियों के अनुसार नियमित अंतराल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन किया गया है। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। वर्तमान में इसके एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं। अब आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल को देख लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। उनका दर्जा भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाअभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इनके कार्य निष्पादन देख लेते हैं। तो आयोग अपने कार्यों का निष्पादन नियमित बैठकों के आयोजन और दस्तावेजों के परिसंचालन द्वारा भी करता है। आयोग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी निर्वाचन आयुक्त के पास समान अधिकार होते हैं और समय समय पर आयोग अपने सचिवालय में अपने अधिकारियों को कुछ कार्यकारी प्रकारों का प्रत्यायोजन करता रहता है। कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त, यानी जो चुनाव आयुक्त उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। आयोग ही निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेता है, चाहे वह साधारण निर्वाचन हो या उप निर्वाचन। पुनः आयोग ही मतदान केंद्रों की अवस्थिति, मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाताओं का आवंटन, मतदान मतगणना केंद्रों की अवस्थिति, मतदान केंद्रों एवं उसके आसपास किए जाने वाले प्रबंधों और मतगणना केंद्रों तथा सभी संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है। राजनीतिक दल एवं आयोग, तो राजनीतिक दल विधि के अधीन निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत है। आयोग उन पर सामयिक अंतरालों पर संगठन संबंधी निर्वाचन करने हेतु जोर देकर उनके कामकाज में आंतरिक दलीय लोकतंत्र सुनिश्चित करता है निर्वाचन आयोग के साथ। इस प्रकार पंजीकृत राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार साधारण निर्वाचनों में राजनीतिक दलों के मतदान प्रदर्शन के आधार पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान करता है। आयोग अपने अर्ध न्यायिक अधिकार क्षेत्र के भाग के रूप में ऐसे मान्यता प्राप्त दलों से अलग हुए दलों के बीच के जो विवाद का निपटान भी करता है। परामर्शी अधिकार क्षेत्र, अर्ध न्यायिक प्रकार, तो संविधान के अधीन आयोग के पास संसद एवं राज्य विधानमंडल के आसीन सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निहेरता के मामले में परामर्शी अधिकार है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के मामले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, भी आयोग की राय के लिए क्या ऐसे लोगों की निहेरता कर दिए जाए, या यदि हाँ तो कितने समय के लिए संबंधी मामले आयोग को संदर्भित किए जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल यथा मामला जिन्हें ऐसी राय प्रस्तुत की जाती है पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायिक समीक्षा, तो आयोग के निर्णय को भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। तो जहां जहां गई नजर वहां वहां से मिटाए गुलामी के निशान। तो आजादी के अमृत महोत्सव काल में सेंट्रल विस्टा की बदली तस्वीर। तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से पंच प्रण लिए थे, जिसमें गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग दूसरा प्रण है।
पिछले 8 वर्षों में सर की जहां जहां नजर गई वहां वहां से गुलामी के निशान मिटा दिए गए। तभी हम इसका थोड़ी सी देर में इसके बारे में और विस्तृत जानेंगे। रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना। तो रूस से तेल और गैस खरीद कर रहे भारत की नीतियों का विरोध करने वाले पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम संदेश दिया है। सुदूर पूर्व रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2022 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत आर्कटिक विषय पर रूस के साथ अपनी भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। अब देखते हैं कि रेलवे की लैंड लीज नीति में बदलाव को मंजूरी। तो कैबिनेट का फैसला, तो लीज की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने का निर्णय। लैंड लीज शुल्क में कटौती 6% से घटाकर 1.5% की गई। 300 कार्गो टर्मिनल होंगे विकसित 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति के तहत। भारतीय रेलवे की लैंड लीज नीति संशोधन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी। इसमें लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर जहां 35 साल कर दिया गया, वहीं लीज शुल्क को 6% से घटाकर 1.5% कर दिया गया। सरकार ने इस फैसले से पीएम गतिशक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल और अन्य ढांचेगत सुविधाओं के विकास करने में सहूलियत मिलेगी। इस फैसले से कार्गो टर्मिनल, जन उपयोगिता और रेलवे के विशेष इस्तेमाल वाली परियोजनाओं के विकास में भी मदद मिलेगी। सरकार के फैसले से रेलवे की जमीन पर बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार केबल, सीवेज निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन और शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिता के ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। क्योंकि अनुराग जी ठाकुर ने बताया कि 5 वर्षों में 300 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। रेलवे की इस नीति का संशोधन से तकरीबन 1,25,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जो भूमि संशोधन से रेलवे की लैंड को लीज पर देने के से सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खोलेंगे। रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई बढ़ने से राजस्व पैदा करने में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी और लागत घटेगी। प्रत्येक ब्लॉक के 2 विद्यालय बनाए जाएंगे पीएम श्री स्कूल। देश के प्रत्येक ब्लॉक में 2 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा। इनमें प्राइमरी और एक सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या है पीएम श्री योजना। तो कर्तव्य पथ हुआ राजपथ और सेंट्रल विस्टा प्लान। तो NDMC की बैठक में नाम बदलने के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुरोध से संबंधित प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, राजपथ का तात्पर्य राजा के विचार की मानसिकता से था। तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। तो जहां जहां नजर वहां वहां से मिटे गुलामी के निशान। तो किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वाले जगह पर अब लगेगी नेताजी की प्रतिमा। आज पीएम करेंगे अनावरण। तो प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण का दूसरा प्रण है गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्याग करना। तो आजादी के अमृत महोत्सव काल में जो सेंट्रल विस्टा की बदलती तस्वीर, तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसे गुलामी का एक और निशान मिटाने की कोशिश है। तो पंच प्रण में कहने की जो गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्याग दूसरा प्रण है। इंडिया गेट से जो किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वाली जगह अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा जाएगी। नौसेना के झंडे में सर जॉर्ज क्रॉस का निशान होता था, लेकिन उसकी जगह अब हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मोहर छाप लगेगी। तो जो सेंट्रल विस्टा है, तो कहीं ना कहीं यही नया संसद भवन होगा जो इसका निर्माण चल रहा है, जो टाटा कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही। तो अब हम देख लेते हैं एक वीडियो।